में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि आज हम लोग डिफाइन करेंगे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और ये भी बताएंगे कि ये चीज़ें आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट करती है और एक से दूसरी चीज़ कैसे हासिल होती है। जैसे कि एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस में एक उसका स्केड्यूल बना लेते हैं ना कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं पहले, फिर हम लोग को ईजी हो जाएगा। डिस्टेंस में जब मैं डायरेक्शन मैंशन कर दूँ, डायरेक्शन, तो ये चीज़ जो है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट में तब्दील हो जाती है। इसे अब मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूँगी, मैंने डिस्टेंस ऐड अप कर दिया। इसी तरह जब स्पीड की बारी है, स्पीड में मैं जैसे ही डायरेक्शन ऐड अप करती हूँ तो ये मेरे पास वेलोसिटी बन जाती है। और जो वेलोसिटी है, जब इसमें चेंज होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास जो है एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम आता है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इनको देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस है क्या। पहले डिस्टेंस को पढ़ेंगे तो बाकी सब कुछ आगे चलेगा। पहले डिस्टेंस को देखते हैं। डिस्टेंस जो है इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर के लिए दो चीज़ों का बताना ज़रूरी होता है, एक चीज़ उसका नंबर, दूसरी चीज़ उसका यूनिट होता है। डिस्टेंस है क्या, और ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, नंबर और यूनिट, ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर मैग्नीट्यूड बना देती हैं। मैग्नीट्यूड को हम लोग उर्दू में कहते हैं किसी चीज़ की अददी कीमत होना। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होता है टू पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होती है। अगर एस से पॉइंट है, एस से टी तक कोई डिस्टेंस है, कोई लंबाई है, तो ये इसका डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस के लिए आपको ये बताना ज़रूरी नहीं होता कि आपने डिस्टेंस किस डायरेक्शन में कवर किया, आपने ईस्ट में किया, आपने वेस्ट में किया, आपने अपवर्ड किया, आपने डाउनवर्ड किया, कहाँ पर आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये आपको बताना ज़रूरी नहीं होता। और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर भी होता है और किलोमीटर भी होता है। अब डिस्टेंस हम लोग डिस्प्लेसमेंट में कैसे आते हैं इसे देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर के लिए तीन चीज़ों का बताना ज़रूरी होता है, एक चीज़ इसका नंबर, दूसरी चीज़ इसका यूनिट एंड थर्ड इसकी डायरेक्शन। तीन चीज़ें हो गई, दो चीज़ें जो है वो नंबर और यूनिट, ये तो सेम है, ये मैग्नीट्यूड में आती है। और मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में सेम होती है। फर्क क्या चीज़ डालती है जिसके आने से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कवर हो जाता है, वो डायरेक्शन है। कि अगर आप कोई टू पॉइंट के दरमियान, ये आपका डिस्टेंस था ना, हमने कहा ऐसे कि हमारा डिस्टेंस है, आपको इसे टू पॉइंट्स ले लें और स्पेसिफाई कर दीजिए कि मैंने ए से बी टू पॉइंट लिए और मैं अब ए टूवर्ड्स बी जा रही हूँ। अब डायरेक्शन आप जो स्पेसिफाई कर दें कि मैंने ए से बी जाना है। और जो ये मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, मिनिमम, इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब हम लोग सिर्फ जो है वो वाजे कर देते हैं कि अब हम इससे इधर जा रहे हैं। अब आपको इसमें ये बताना भी ज़रूरी होता है कि आप वेस्ट में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं या साउथ की तरफ जा रहे हैं, ये बताना लाजमन हो जाता है। इसका यूनिट भी जो है वो मीटर भी होता है और किलोमीटर भी होता है। इसकी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि आप कहते हैं कि एक कार है, कार हैज ट्रैवल्ड, उसने सफ़र किया है कोई अ डिस्प्लेसमेंट, उसने डिस्प्लेसमेंट किया है ऑफ 200 किलोमीटर। अब ये चीज़ देखिए, 200 जो है वो हमारा नंबर और किलोमीटर हमारा यूनिट, ये दोनों चीज़ें जो हैं डिस्टेंस में भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट में भी सेम है, ये मैग्नीट्यूड है। बट इन द डायरेक्शन है, इन द डायरेक्शन आपने मेंशन कर दिया, जो इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये अब आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है फ्रॉम द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट आपने इसको कवर अप किया है। अब स्पीड देख लेते हैं, स्पीड डिस्टेंस से कैसे रिलेट करती है। स्पीड
स्पीड को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलिंग के लिए तीन दो चीज़ें बताना ज़रूरी होती है, एक इसका नंबर, दूसरी चीज़ इसका यूनिट। दोनों चीज़ें हैं इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर देती हैं। अब जो स्पीड है इसको हम लोगों ने वी से रिप्रेजेंट किया। स्पीड टू चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये जो है डिपेंड करती है दो चीज़ों पर। एक चीज़ होता है डिस्टेंस एफ, दूसरी चीज़ है टाइम जिसमें इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। आप इसकी एग्जांपल यूँ ले लीजिए, जैसे कि हमने कहा कि हम एस से टी की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस को आपने, डिस्टेंस है ना हमारा एस होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस एस को हम लोगों ने जैसे ही टाइम से डिवाइड किया उस टाइम के लिए जिसमें हम लोगों को स्पीड चाहिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास उस दौरान के लिए स्पीड आ जाएगी। स्पीड आ जाती है आपकी, स्पीड आ जाती है, ठीक है। आप जैसे फर्ज कर लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए कि आपने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 400 किलोमीटर कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इन टाइम, टाइम जो है आपका ले लीजिए, ये डिस्टेंस आ गया आपका, टाइम आप ले लीजिए 8 आवर्स, आपने 8 घंटे में किया है। तो इस दौरान जो आपकी कार की स्पीड रही है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एस डिवाइडेड बाई टी मीन्स आपका फासला डिवाइडेड बाई आपका वक्त 8 आवर्स जो है। तो ये आपके पास 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार रही है आपकी। अब स्पीड की बहुत सी मिसालें होती हैं। स्पीड जो है, पहले स्पीड का हम लोग यूनिट बता रहे थे ना, स्पीड का यूनिट जो है, यूनिट जो है इसको किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड दोनों में ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल देख लीजिए, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार भी होती है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, जैसे स्पीड ऑफ कार और स्पीड ऑफ एरोप्लेन भी होती है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन। इसी तरह रन करने की स्पीड है, आप दौड़ते हैं, वॉक करते हैं, चलने की स्पीड है, आप किसी को ईमेल करते हैं, मेल सेंड करते हैं, इसकी स्पीड है, आप मोबाइल से टेक्सटिंग करते हैं, इसकी स्पीड है। सब बहुत सी स्पीड्स होते हैं, आप स्पीक करते हैं उसकी भी स्पीड जो है स्पीड होती है। जैसे कि आप ले लीजिए, आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं, आपने ईमेल में किसी को 200 वर्ड्स लिखे और ये जो वर्ड्स हैं आपने, टाइम देख लीजिए, जो टाइम है आपने लिया उसको करने के लिए, आप इसे कह दीजिए कि आपने टाइम लिया है 10 मिनट्स। और अब आपने अपनी स्पीड देखनी कि आपकी टाइपिंग करने की स्पीड क्या है, तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको यूँ कीजिए कि 200 वर्ड्स डिवाइडेड बाई 10 मिनट्स, तो आपने 20 वर्ड्स पर मिनट लिखे, 1 मिनट में आपने जो 20 वर्ड्स लिखे। इस तरह से आप किसी भी चीज़ की जो है स्पीड बता सकते हैं। अब देखते हैं कि स्पीड में और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। वेलोसिटी जो होती है उसे हम लोग वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक नंबर, दूसरी चीज़ इसका यूनिट, और तीसरी चीज़ जो इसको डिफ्रेंशिएट करती है स्पीड से वो है इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के ऐड होने से हमारी स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेलोसिटी में। जैसे कि आप कहें कि अब आपने यूँ कह लीजिए कि आप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट गए, आप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है डी। इसको आपने कितने टाइम में कवर किया, आप ले लीजिए 2 आवर्स में। आपने वेस्ट से ईस्ट जाते हुए 200 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 2 आवर में। अब आपको अपनी स्पीड वेलोसिटी बतानी पड़ेगी ना, अब आपने डायरेक्शन मॉडिफाई कर दी है, डायरेक्शन को एडअप कर दी है, डायरेक्शन से इसको मज़ीद जो है इसको आपने बयान कर दिया है कि अगर डायरेक्शन डाल दी जाए स्पीड में तो वो वेलोसिटी में कवर हो जाती है। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम होती है। और अब हम लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 200 है डिवाइडेड बाई 2 आवर, तो ये हम लोग वो 100 किलोमीटर पर आर की हमारी वेलोसिटी रही होगी। वेलोसिटी भी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है,
एक चीज इसका डिस्प्लेसमेंट, दूसरी चीज इसका टाइम, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है और इन दोनों चीज़ों से ही हम लोगों को वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाती है और हम लोगों को डायरेक्शन बताना नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो डायरेक्शन शो कर रही है ना। अगर एस आ जाता है डी की जगह तो ये तो हमारी स्पीड आ जानी थी। यूनिट, इसका यूनिट क्या है, यूनिट मीटर पर सेकेंड भी है और किलोमीटर पर आर भी है, दोनों ही इसके यूनिट हैं। इसके एग्जाम्पल्स में जैसे आप लोग कहें वेलोसिटी ऑफ कार, जो 100 किलोमीटर पर आर है, एक घंटे में वो 200 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट ये है, तो उसकी जो वेलोसिटी इतनी है, उसकी वेलोसिटी आपने बता दी ना, वेलोसिटी ऑफ कार 200 किलोमीटर पर आर है, फ्रॉम डायरेक्शन भी बता दीजिए वेस्ट टू ईस्ट के, इसकी एग्जाम्पल हो सकती है, या डेली लाइफ में आप कह दीजिए कि आपकी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज बस है उसकी जो वेलोसिटी है कि कॉलेज बस वेलोसिटी जो है वो 50 किलोमीटर पर आर है फ्रॉम, आप कह लीजिए कि आप यूईटी से जाते हैं, किंग एडवर्ड यूईटी से आप अगर किंग एडवर्ड गए हैं तो आपकी जो कॉलेज की बस है जिस पर आपने ट्रैवल किया है उसकी स्पीड इतनी रही होगी कि उसने 50 किलोमीटर एक घंटे में ट्रैवल किया, या आप कह दीजिए कि आपकी कार की स्पीड है, कार की जो वेलोसिटी है, कार्स वेलोसिटी फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद इज 400 किलोमीटर पर आर, 400 किलोमीटर पर आर है, इस तरह से कह दीजिए। ये इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगी कि अब आप लोगों ने डायरेक्शन मेंशन कर दिया। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी से हम लोग एक्सेलरेशन में कैसे जाते हैं, एक्सेलरेशन जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर है, तो इसके लिए भी तीन चीज़ों का बताना मस्ट होगा, एक इसका यूनिट, दूसरी चीज़ इसका नंबर और तीसरी चीज़ हम लोगों को क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन। हम लोगों ने कहा था स्टार्ट में कि वेलोसिटी में जब जब चेंज आता है तो वो चेंज एक्सेलरेशन पैदा करता है, जैसे ही वेलोसिटी चेंज होती है फौरन एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे थे, आप वेस्ट टू ईस्ट गए हैं, ये आपकी वेलोसिटी जो रही है वो है 200 किलोमीटर पर आर, लेकिन आपकी वेलोसिटी जो है इस वक्त यहाँ पर आके ये थोड़ी स्लो हो जाती है, जैसे ही वेलोसिटी चेंज हुई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, फिर फास्ट हो जाते हैं, फिर स्लो, फिर फास्ट, मतलब स्लो फास्ट आप जा रहे हैं, मगर एक प्रॉपर डायरेक्शन है कि आप वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, तो ये जो आपकी वेलोसिटी है जैसे ही चेंज होती है क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलरेशन। यही बात है कि हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होती है, उस वक्त से डिवाइड कर दीजिए जिसमें वेलोसिटी चेंज हुई है, उस इंटरवल में जब यहाँ पे कोई वेलोसिटी थी स्लो एकदम फास्ट हुई है, तो स्लो से फास्ट होने के दरमियान जो टाइम है उससे उसकी स्लो और फास्ट वाली वेलोसिटी को डिवाइड कर दीजिए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक डेल्टा वी, दूसरी चीज टी। ये डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी होता है इसकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इसका यूनिट देख ले, जिसका यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन का यूनिट। अब मैं जैसे इसकी एग्जांपल करती हूँ, इसका जो फॉर्मूला है इसको डेल्टा वी को, और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें ना तो आप वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी कर देंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल में जैसे मैं कहती हूँ अ कार हैज इनिशियल वेलोसिटी टू मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद इट्स फाइनल वेलोसिटी, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाती है, इसकी फाइनल वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। तो वो आपसे पूछता है कि आप मुझे ये बताएं कि चेंज इन, ये चेंज है, इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी
विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताइए, टू टाइम चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बतानी है आपने। ये कैसे बताएंगे? आप जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, इसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब वो हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक्सेलरेशन क्या था? डेल्टा वी बाय टी। अब डेल्टा वी क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी। अब इसे कैसे करें? वी एफ जो उसने कहा फाइनल है, उसमें से उसकी इनिशियल को माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए और फिर इन दोनों को उसके टाइम से डिवाइड कीजिए जिसमें ये प्रोसेस हुआ है। उसकी डिक्रीज से इंक्रीज हुई है, डिक्रीज से फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, तो आपने 4 से डिवाइड किया, 2/4 ये आपकी एक्सेलरेशन आ गया उस इंटरवल में, उस टाइम इंटरवल में आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब फिर से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने कैसे पढ़ा है। हम लोगों ने शुरू में कहा था कि हम लोगों ने डिस्टेंस है, डिस्टेंस में हम लोगों ने डायरेक्शन एडअप की, इसमें से कन्वर्ट किया डिस्प्लेसमेंट में, इसी तरह किया। अब हम लोगों ने दो चीज़ें की, डिस्टेंस जो एस है इसको डिवाइड किया टाइम से, इसमें क्या बना दिया? स्पीड। दोनों का नेचर सेम, दोनों ही स्केल है। स्पीड में जब ऐड किया डायरेक्शन को तो ये किस में कन्वर्ट होगी? वेलोसिटी में। वेलोसिटी एक वेक्टर है, ये कैसे आती है? जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टी करें। अब वेलोसिटी से हम लोग एक्सेलरेशन में कैसे गए? हम लोगों ने जब वेलोसिटी को चेंज किया, चेंज इन वेलोसिटी हुआ, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ, तो क्या हो गया जी? अब हमारे पास डेल्टा वी डिवाइड बाई टी, तो इसने क्या बना दिया? एक्सेलरेशन। सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से और डिस्टेंस स्पीड से भी। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से और स्पीड वेलोसिटी से, कैसे? डायरेक्शन ऐड करने से। और जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन बन जाता है।